बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या है वो बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। तो हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदला गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो हुआ है स्टेट विजिलेंस का नाम, डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो के नाम में बदलाव किया गया है, डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो किया गया है नाम। तो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं, मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है, तो ये बड़ी खबर। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है, तो ये बड़ी खबर। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदला गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो हुआ है स्टेट विजिलेंस का नाम। मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साधना, देखिए हरियाणा सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम एंटी करप्शन ब्यूरो तथा डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो का नाम डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो के संबंध में एक आदेश जो है वो जारी किया गया है। कहीं ना कहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा एक पत्र जो है वो जारी किया गया है। इस पत्र में तमाम प्रशासनिक सचिव, मंडल, उपायुक्त, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड, निगम, संस्थानों में, सार्वजनिक उपक्रम में तमाम जो लोग हैं उनको, तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये पत्र जो है वो लिखा गया है, जारी किया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि विजिलेंस ब्यूरो का नाम एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रस्ताव को हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी गई है। भविष्य में इस एजेंसी के संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार, महानिदेशक एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा तथा डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से प्रेषित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नाम बदला गया है, उसकी जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं नाम बदलने के। और इसके साथ साथ अगर भविष्य में कोई भी एजेंसी इन तमाम विभागों से संबंधित जो है पत्राचार करना चाहेगी तो वो इन नामों के थ्रू कर सकेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा तथा डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो, ये दो जो नाम है वो बदलकर रखे गए हैं जी। बिल्कुल रवि, क्या इसके स्वरूप में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? रवि, क्या आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल। हाँ चलिए रवि, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।